अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुद्र यादव, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अगर कोई परेशानी ना हो तो। हाँ जरूर आ सकते हैं, परेशानी क्यों, आइए प्लीज। चलो उधर देख लो। तो आप यहां पक्का अकेले रहते हैं? जी जी हम अकेले रहते हैं। पर वैसे काम क्या करते हैं आप? हमारी डांस एकेडमी है आगरा में, यहां हम अक्सर काम के सिलसिले से आते रहते हैं। सर यहाँ पे कोई नहीं। सॉरी, तकलीफ दी आपको। वो क्या है ना, हमें यहाँ कुछ हलचल नजर आई, और वैसे भी हमारी डेली रूटीन चेकिंग है। चुके सर, चुके। हवलदार चलो। पुलिस को फोन करके आपने बुलाया ना? हम क्यों बुलाएंगे पुलिस को रुद्र? हमने नहीं कॉल किया उन्हें। तो फिर किसने बुलाया पुलिस को? आपके अलावा किसको बताया कि हम यहाँ पर हैं? बताइए। हे कान्हा जी, अगर रुद्र को पता चल गया कि पुलिस को हमने ही बुलाया था, तो ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, हम क्या बोले? देविका जी ने, उन्हें भी तो पता है ना हम यहाँ हैं, वो जब चाहे तब यहाँ आ जाती हैं। हाँ, हमें तो ये देविका जी का ही काम लग रहा है। हो सकता है कि शायद उन्हें आप पर शक हो गया, उन्हें लग रहा होगा कि आप पार्थ के लिए खतरा हैं। याद करिए, उन्होंने धमकाया भी तो था आपको। खबरदार, अगर तुम्हारी वजह से हमारे पास पे एक खरोच भी आए तो। ये देखिए हमारी धर्म पत्नी को, जो हमारे होते हुए यहाँ होटल में दूसरे पराए मर्दों के साथ मिलने आती है। देखो इसे। ये झूठ बोल रहे हैं। क्या जी तुम्हारा पति नहीं है? पति है, पर केवल नाम के।
इन्होंने हमारे बच्चे को जान से मार दिया और आए दिन हमें भी मारते पीटते रहते थे। इसलिए हमने साल भर पहले ही इनका घर छोड़ दिया था। ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। हम तो यहाँ बस काम से आए थे। कितनी बेशरम औरत हो तुम बिट्टू, हाँ? अब रंगे हाथ पकड़ी गई हो तो ये काम का बहाना बना रही हो? एक बात बताओ, तुम इतनी दूर इस होटल में अपने देवर से क्या बात करने आई? बंद कमरे में क्या बात करनी थी इन दोनों को? अरे ये झूठ बोल रही है, क्या पता कब से ये लोग यहाँ पे आते हैं? छोरी, थोड़ी भी शर्म नहीं आई तुझे? अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल रखता। हमारी कोई गलती नहीं है घर भाई, इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। इन्होंने जबरदस्ती की, धमकाया हमें। तुम जैसी औरतों के वजह से सारी औरतें बदनाम होती है। तुम्हारे जैसों के कारण ही ना मर्द अपनी औरतों को घर से जाने से रोकते हैं। गेहूं के साथ एक घुन पिसता है। सही बोला, तुम जैसी औरतों के वजह से, तुम जैसी औरतों को तो सिर्फ जीने का कोई हक नहीं है। अरे इसे तो हमने खुद से ज्यादा प्यार किया था, बताओ। लेकिन आज के जमाने में हमारे जैसे अच्छे मर्दों के साथ ही बुरा होता है। लेकिन अगर हम मर्द कुछ बोलेंगे तो कोई सुनेगा क्या हमारी? नहीं, ये तो अच्छा हुआ इसकी सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ गई। अब हम भी हमारे जैसे पीड़ित मर्दों के लिए एक संस्था खोलेंगे, क्योंकि हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है ना बहन जी। देखो, तुम जैसी औरतों की वजह से हम लोग बदनाम होते हैं, समझी? तुम, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है यहाँ पर। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देविका जी, बस बहुत हो गया। आप हमारे घर वालों पे ऐसे शक नहीं कर सकती। चाहते ना चाहते हुए भी हमारे घर वाले शादी करवा रहे हैं ना, तो आप हमारे घर वालों का तमाशा नहीं बना सकती। कमाल की बात कर रहे हो तुम पार्थ। चिट्ठी पे हमारा नाम लिखा था ना, बदनाम हमें किया जा रहा है ना, तो हम तो पूछेंगे ना सबसे, पता लगाएंगे ना कि आखिर वो है कौन इस घर के अंदर जो इस तरीके की ओछी हरकत कर रहा है। इसमें तमाशा बनाने वाली क्या बात है? अगर कोई आस्तीन का सांप रह रहा है इस घर के अंदर, जो इसी घर का खा रहा है और यहीं पे जहर घोल रहा है, तो पता तो लगाना होगा ना पार्थ कि वो है कौन जो मुंह पे कुछ और है और पीछे से कुछ और। इसमें क्या गलत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुम बड़ी हंसी आ रही है तुम लोगों को? हमारी जिंदगी मजाक है क्या तुम्हारे लिए? ये क्या हो रहा है तुम्हें देविका? तुम बताओ हमें, ये क्या हो रहा है गर्फ? तुम दोनों में से किसने भेजा ये लेटर? गर्फ जवाब दो हमें। हमें लगता था तुम समझदार हो देविका। अगर हम इस शादी के खिलाफ होते तो हम हमारे भाई और परिवार वालों को आमने सामने बिठा कर बात करते, कि वो इस तरह लेटर लिख के तमाशा नहीं करते। और तुम भूल रही हो,
इस पूरे घर में हम ही हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम सब ये क्यों करेंगे? हाँ, हमारे घर में से कोई भी ये क्यों करेगा और नहीं किया है? ये किसी बाहर वाले की हरकत है जो चाहता है ये शादी टूट जाए, इसलिए चिट्ठी भिजवाई है। सही कहा, यूं तो हम कड़वा बोलते नहीं, लेकिन देविका अक्सर लड़की के घर वाले और रिश्तेदार ऐसी हरकतें करते हैं लड़की का रिश्ता तोड़वाने के लिए। तो बेहतर होगा यही अदालत तुम अपने घर में अपने जान पहचान वालों के सामने लगाओ। ये लोग नहीं तो कौन हो सकता है? जल्द ही हम पार्थ से शादी करने जा रहे हैं। कहीं लेटर रुद्र ने तो नहीं लिखा? अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।